गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम सिक्स सेम का नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है आर्टिफिशियल लिफ्ट। आर्टिफिशियल लिफ्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों अपन को उसकी नीड है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जो पिछले अपन ने सेमेस्टर में पढ़ा था सिक्स सेम में, कि एक आईपीआर होता है आपका, आईपीआर इस कैसे जनरेट कर रहे थे और उसके जनरेट करने के क्या मेथड थे उसके बारे में अपन ने बात करी थी, ठीक है। तो उसके लिए बोगस मेथड देखा था, एक्सपेंडिंग मेथड देखा था, उसको फ्यूचर आईपीआर को कैसे जनरेट करते हैं वो सब देखा था, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था टीपीआर, टिपिंग परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। अब इन दोनों को अपन ने बोला था कि आपका टिपिंग वाला ये का हुआ था, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, फिर अपन ने बोला था कि ये जो पॉइंट होता है वो डिटरमाइन करता है आपका कि आपका ऑप्टिमम फ्लो रेट क्या होगा या ऑप्टिमम बॉटम और फ्लोइंग प्रेशर क्या होगा, ठीक है। इस पॉइंट में जिस पे दोनों, ये आपका जो टीपीआर कर्व है वो और ये जो आईपीआर कर्व है आपका इनफ्लो वाला, ये दोनों कर्व जहां पे क्रॉस करेंगे वो पॉइंट होगा, वही डिजाइनिंग में आपका यूज होगा कि किस फ्लो रेट पे आपको वेल को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था कि ये फ्लो रेट वर्सेस प्रेशर का ग्राफ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस पे वो आपका बॉटम और फ्लोइंग प्रेशर होगा, ये आपका भी इनिशियल रिजर्वर प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ अपन ने देखे थे आईपीआर और टीपीआर के, ठीक है। जनरली आपका ये अगर ऑप्टिमम पॉइंट ऐसे मिल रहा है, दिस मींस है कि आपका ये लाइव वेल है, मतलब ये आपका वेल प्रोड्यूस करेगा इस पर्टिकुलर फ्लो रेट पे, आपको एक ऑप्टिमम फ्लो रेट और प्रेशर है बॉटम वॉल का जिससे सरफेस पे आपको प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। पर अगर ये दोनों ऐसे क्रॉस सेक्शन में नहीं आए, ठीक है, ये अगर आईपीआर है आपका ऐसे, ठीक है, और ये आपका टीपीआर है वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है। इट मींस क्या हुआ कि ये आपका डेड वेल है, इट मींस क्या हुआ कि यहाँ से आपको इनफ्लो तो मिल रहा है, बट जैसे अपन वेल की बात करते हैं जनरली, तो यहाँ से इनफ्लो किसको बोलते हैं, रिजर्वर से लेके वेल वाटर फ्लूइड को आ रहा है, जो भी पास मिल रहा है या जो भी है वो उसका वेल का इनफ्लो डिपेंड करता है कि कितना इनफ्लो आ रहा है, रिजर्वर से कितना फ्लूइड मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको लिफ्ट करके यहाँ तक लाना है वो आपका टीपीआर या ट्यूबिंग परफॉर्मेंस में कंसिडर होता है, ठीक है। अब क्या होता है जनरली, अगर ये दोनों आपस में ये क्रॉस सेक्शन अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है, इट क्या है कि यहाँ पे फ्लूइड इनफ्लो होके यहाँ वेल तक आ गया है, इसके बॉटम में है, बट यहाँ से ऊपर सरफेस तक लिफ्ट नहीं हो रहा है क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो खुद से लिफ्ट करके सरफेस तक पहुंचे, ठीक है। इसलिए अपन अगर अपना वेल कहते हैं कि दोनों क्रॉस सेक्शन में नहीं मिल रहे हैं, ये आपका आईपीआर है और टीपीआर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इट मीन्स आपका ये डेड वेल है, ये आपका वेल फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। फ्लो मीन्स कैसे नहीं करेगा कि इसका इनफ्लो यहाँ से यहाँ तो आएगा बॉटम ऑफ तक, पर वहां से सरफेस तक लिफ्ट नहीं कर पाएगा, उसके पास इतनी सफिशियंट एनर्जी नहीं है उस फ्लूइड के पास, ठीक है। इसलिए इस फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट करने के लिए अपन को चाहिए आर्टिफिशियल लिफ्ट, ठीक है। आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, और जनरली क्या होता है कि रिजर्वर के प्रेशर के साथ अपन कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, वो इनिशियली जैसा होगा वो वैसा ही रहेगा, टाइम के साथ जैसे प्रोडक्शन लेंगे वो डिक्लाइन करेगा, राइट। बट उसके अंदर अपन कुछ नहीं कर सकते, या तो अपन प्रेशर मेंटेनेंस वाला कर सकते कि ठीक है अपन ने गैस या वाटर इंजेक्ट किया उस प्रेशर को मेंटेन करके रखा, बट उसको इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको मेंटेन करके रख सकते, उसके अलावा वहां पे अगर प्रेशर मेंटेनेंस टेक्निक्स नहीं कर गए तो अपन आर्टिफिशियल लिफ्ट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल लिफ्ट को जनरली अपन बोलते हैं कि जो भी उसकी प्राइमरी ड्राइव मैकेनिज्म या प्राइमरी एनर्जी है जिसके थ्रू वो खुद अपने आप से फ्लो होकर सरफेस तक आ रहा है, उस एनर्जी का एक्सटेंशन है, कैसे कि यहाँ तक आ रहा था उसको अपन ने अगर यहाँ से अपन फ्लूइड को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो सरफेस पर भी जाएगा, ठीक है। तो ये काम अपना होता है ये, और जनरली आर्टिफिशियल लिफ्ट में अपन ये करते हैं कि जो बॉटम वॉल का प्रेशर है PWF उसको रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। कैसे, अगर ये वाला प्रेशर अपन ने बोला कि सॉरी यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ इनफ्लो आ गया, ठीक है, ये रिजर्वर का प्रेशर है, ये बॉटम वॉल का फ्लोइंग प्रेशर है, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो अपने पास एक ही ऑप्शन होता है यहाँ से यहाँ फ्लूइड को फ्लो करने के लिए कि जनरली फ्लूइड फ्लो क्यों होगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, और इस प्रेशर डिफरेंस को अपन किस में डिफाइन करते हैं, ड्रॉ डाउन, ठीक है। अपन ने पढ़ा है ड्रॉ डाउन की अक्सर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स में अपन ने पढ़ा था कि फ्लो रेट अपॉन पी रिजर्वर प्रेशर माइनस पी डब्ल्यूएफ, मतलब ये प्रेशर डिफरेंस है आपका, ठीक है, इसकी वजह से आपका फ्लो रेट, ये प्रेशर डिफरेंस के लिए ड्रॉ डाउन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उसका आपका फ्लो, आपको फ्लो रेट है उतनी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो जनरली अगर क्या करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, अगर यहाँ वाले प्रेशर को मैं रिड्यूस करती हूँ तो ये सरफेस पे भी चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या हो रहा है यहाँ से लिफ्ट नहीं हो पा रहा है,
ठीक है, ये प्रेशर को मैं चेंज कर सकती हूँ और इस प्रेशर को चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि वेलाइट का प्रेशर है ये मेरे हाथ में, उसको सरफेस पे कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ का जो प्रेशर है उसको मैं रिड्यूस करने का ट्राई करूँ, देन यहाँ क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से आपका फ्लूइड लिफ्ट होकर सरफेस पे मिल सकता है, ठीक है। तो जनरली इसलिए अपन को हार्ड एनर्जी लिफ्ट की नीड होती है कि जो रिजर्वर है वो उसकी जो एनर्जी है, प्राइमरी जो एनर्जी उसके पास है वो टाइम के साथ क्या होगी, डिक्लाइन होगी, और उसको कुछ ना कुछ असिस्टेंस चाहिए कि वो उसको अगर थोड़ा सा अपन असिस्टेंस प्रोवाइड करें देन फ्लूइड आपका सरफेस तक मिल जाएगा, ठीक है। उसके पास प्राइमरी एनर्जी है बट वो इतनी एनर्ज नहीं है कि वो उस फ्लूइड को सरफेस तक ट्रांसफर करे, ठीक है। जनरली ये इसका पर्पज है, इंक्रीज द रिजर्वर प्रेशर, अपन बोल सकते हैं कि रिजर्वर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल अपन रिजर्वर प्रेशर को इंक्रीज नहीं कर सकते, उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू रिकवर द मोर प्रोडक्शन, ऑब्वियसली अपन चाहते हैं कि जो प्रोडक्शन है उसको अपन इंक्रीज करें, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड प्रोड्यूस करें, उसके लिए उसके अलावा नेचुरल फ्लो डिक्रीजेस ओवर द टाइम, जैसे मैंने बात किया कि जैसे जैसे अपन प्रोडक्शन लेते जाएंगे टाइम के साथ आपका जो भी फ्लूइड फ्लो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। प्रेशर कम होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा देन आपका जो भी फ्लो मिल रहा है या जो भी फ्लो रेट मिल रही है, फ्लूइड मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन मिल रहा है, वो डिक्लाइन होता जाएगा, ठीक है। तो जो भी नेचुरल फ्लो वहाँ पे प्रेजेंट है वो टाइम के साथ डिक्लाइन होता रहेगा, इसलिए भी आर्टिफिशियल लिफ्ट की नीड होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें जनरली वर्ल्ड वाइड कि अराउंड 50% जो ऑयल वेल्स हैं वो आर्टिफिशियल लिफ्ट की उनको नीड होती है, ठीक है। अगर वहाँ पे आर्टिफिशियल लिफ्ट आप जो 50% वाले हैं उनके पास प्राइमरी एनर्जी है बट वो सफिशियंट नहीं है कि वो सरफेस से मतलब फ्लोर को सरफेस तक ट्रांसफर करें, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि वहाँ पे जनरली थोड़ा सा असिस्टेंस या थोड़ी सी एनर्जी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उस फ्लूइड को, सो देट वो सरफेस तक बढ़ सको, ठीक है। और यूएस की एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 96% वेल यूएस के हैं वो इनिशियल स्टेज पे ही आर्टिफिशियल लिफ्ट उसमें इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, या उनको रिक्वायर्ड होती है। ये था आर्टिफिशियल लिफ्ट आपको क्यों नीड होता है, क्या रिक्वायरमेंट है आर्टिफिशियल लिफ्ट टेक्निक्स का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं आर्टिफिशियल लिफ्ट के, ठीक है। तो जनरली दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका होता है गैस लिफ्ट सिस्टम, ठीक है, दूसरा होता है आपका पंपिंग सिस्टम। अब पंपिंग सिस्टम में आपका सरकर रोड पंप होगा, गैस लिफ्ट में गैस लिफ्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पंपिंग सिस्टम में अपन देखें तो इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप होगा, हाइड्रोलिक पिस्टन पंपिंग होगा, हाइड्रोलिक जेट सिस्टम होगा, उसके अलावा प्लंजर लिफ्ट की बात कर सकते हैं, वो गैस लिफ्ट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। उसके अलावा पीसीबी पंप यानी प्रोग्रेसिव कैविटी पंप, तो ये सारे टाइप के पंपिंग सिस्टम होते हैं, ये आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड होते हैं, इसलिए इतने टाइप के, ठीक है। अब कौन से मेथड को कहाँ पे यूज करेंगे, कौन से एनवायरमेंट पे यूज करेंगे, कौन से के क्या एडवांटेज है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स है, इनको अपन सेलेक्ट कैसे करेंगे कि मुझे पर्टिकुलर वेल पे सकर रोड पंप लगाना है या फिर गैस लिफ्ट लगानी है, ठीक है। तो मैं उसका सिलेक्शन करने का एक कुछ पैरामीटर्स होंगे, फर्स्ट है आपका वेल कंप्लीशन एंड प्रोफाइल, ठीक है। वेल कंप्लीशन आपने मेथड पढ़े होंगे कि कहीं पे ट्यूबिंग लेस कंप्लीशन होता है, कहीं पे केसिंग ट्यूबिंग एंड पूरा सीमेंटेड होता है, ठीक है। तो वो उस वेल कंप्लीशन को भी देखेंगे कि वहां पे कौन सा वेल कंप्लीशन है। उसके अलावा प्रोफाइल की बात तब आएगी जब आप हॉरिजॉन्टल वेल की बात करेंगे, यानी कि जो डायरेक्शन ड्रिलिंग है उसमें प्रोफाइल होती है अलग अलग कि एस प्रोफाइल है या जे प्रोफाइल है, ठीक है। तो वहां पे प्रोफाइल की बात होगी, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा जो फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है वहाँ की, कि कैसी वहाँ पे एनवायरमेंट की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग की उसके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा रिजर्वर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब रिजर्वर वो जो है वो ऑयल वेल है या गैस वेल है, और उसके अलावा जैसे गैस लिफ्ट की अपन बात करते हैं कि गैस लिफ्ट कहाँ पे यूज करेंगे, तो वो अपन को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे गैस अपने पास इंजेक्ट करने के लिए गैस अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो वो सब देखना पड़ेगा। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप की बात करूँ तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अगर अपना वेल बहुत ही ज्यादा रिमोट लोकेशन पे है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस नहीं है, देन वहाँ पे वो वाला पंप आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो भी अपन को देखना पड़ेगा। उसके अलावा रिजर्वर प्रेशर एंड वेल प्रोडक्टिविटी, उसमें आगे बात करेंगे कि रिजर्वर जो प्रोडक्शन रेट है आपका, उसके अकॉर्डिंग पंप का सिलेक्शन होगा कि प्रोडक्शन रेट कितनी है, कितनी डिक्लाइन हुई है, और उसका पर्टिकुलरली प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या रहेगा, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड, आपका फ्लूइड है वो हैवी फ्लूइड है या फ्लूइड के साथ कुछ सैंड प्रोड्यूस हो रहा है या फिर
फ्लूइड है वो बहुत विस्कस फ्लूइड है, किस टाइप का फ्लूइड है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। उसके अलावा सरफेस कंस्टेंट मतलब सरफेस फैसिलिटी आपके पास क्या अवेलेबल है, मतलब अगर गैस इंजेक्ट करनी है तो आपको कंप्रेसर वगैरह नीड होंगे तो वो वहाँ पे अवेलेबल है या आपके पास या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सर्विस कौन से अवेलेबल है, अगर मुझे गैस इंजेक्ट करनी है तो वहाँ पे वो सर्विस अवेलेबल है या नहीं है, ESP यूज करना है तो वहाँ पे वो अवेलेबल है या नहीं है, या फिर सकर और पंपिंग है तो वो जैसे ऑफशोर में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत हैवी स्ट्रक्चर होती है, बहुत लार्ज स्ट्रक्चर होती है और ऑब्वियसली ऑफशोर में हर एक स्पेस लिमिटेशन बहुत होती है तो वहाँ पे आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी अगर कंसिडर करना पड़ेगा। उसके अलावा इकोनॉमिक कंसिडरेशन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि वो जो आर्टिफिशियल लिफ्ट किसी भी आपके आप लगा रहे हैं तो उसका आपको उसका कुछ जो कॉस्टिंग है जितना आप उसके उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे डबल आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अपन जो चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक जो जितना पैसा लगा रहे हैं उसका वापस अपन रिकवर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको लगाना वर्थ इट है या नहीं है वो भी आपको कंसिडर करना होगा। उसके अलावा ऑपरेशन मतलब कितनी इजिली वो चीज वहाँ पे ऑपरेट हो पा रही है, ठीक है, फ्लेक्सिबली ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही है, वो सब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है उसको ऑपरेट करना, तो वहाँ पे क्या होता है हर कोई उस पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्टाइज नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक ही बंदे एक ही जना है वो उसको ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, इजिली ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। ये सारे कंस्टेंट या पैरामीटर्स होंगे जिनको अपन जिनके बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे कि कौन से मेथड को अपन अप्लाई करेंगे आर्टिफिशियल लिफ्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट सकर और पंप, जो जनरली आपने बहुत कॉमनली हर कहीं पे डायग्राम में हर जगह देखा है, इसको बोलते हैं इसको बीम पंपिंग भी बोलते हैं, वो नेक्स्ट इसका हर एक मेथड का मैं जस्ट जनरल डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ कि उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है लिमिटेशन क्या है, ठीक है। बाकी इनकी डिजाइनिंग अपन नेक्स्ट पूरा डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको बीम पंपिंग भी बोलते हैं, ये क्या करता है जनरली फ्लूइड को लिफ्ट करने के लिए एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करके फ्लूइड को बॉटम ऑफ द वॉल से सरफेस तक लिफ्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या होता है एफिशिएंट होता है, काफी सिंपल है, इजी टू ऑपरेट, बहुत सिंपल इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका डायग्राम में बात करें तो ये इसका ब्रश मूवर होता है, ये पंपिंग यूनिट होती है इसकी, ठीक है, ये पॉलिश रॉड वगैरह होती है। इसके सबके बारे में कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि सरफेस पे क्या होते हैं और सब सरफेस में कौन से कंपोनेंट होते हैं उनकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। ये जैसे इसकी रॉड स्ट्रिंग वगैरह होती है, इसका यहाँ पे पंप होता है, ठीक है, और इसका वर्किंग क्या होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसके एडवांटेज क्या है कम्पेयर टू अदर लिफ्ट मेथड, ठीक है। इसका एडवांटेज फर्स्ट है कि इसकी जो सिस्टम एफिशिएंसी है वो काफी हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन कंट्रोल्स अवेलेबल, मतलब इसको अपन इजीली इसके जो भी जिस तरह से अपन कंट्रोल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका कंट्रोल सिस्टम है वो इजी होता है। लाइक कैसे अगर मुझे फ्लूइड वहाँ पे कम प्रोड्यूस होने लग गया है तो मैं जो लेंथ है उसकी स्ट्रोक लेंथ है या उसकी जो रोड की लेंथ है उनको मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हूँ इजीली, ठीक है। इकोनॉमिकल टू रिपेयर एंड सर्विस, मतलब इजीली इसको अपन रिपेयर कर सकते हैं या इसकी सर्विसिंग है वो इकोनॉमिकल होगी, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग ड्रॉडाउन, मतलब इसमें जो ड्रॉडाउन की बात करी थी कि जितना ज्यादा ड्रॉडाउन इंक्रीज होगा मतलब जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस का इंक्रीज होगा आपका फ्लो रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ड्रॉडाउन अगर ये क्रिएट करता है मतलब फ्लो रेट इंक्रीज करेगा और अच्छे से फ्लूइड को सरफेस तक लिफ्ट कर पाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो अपन ने सकर रोड पंप की बात करी तो इसमें जो ये रोड होती है उसका जो मटेरियल है उसके कोरोड होने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। बट जनरली अभी क्या है अपग्रेडेड मटेरियल है उनको यूज करते हैं तो जो कोरोजन का कंसर्न था उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं या उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इजिली इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपन प्रोडक्शन रेट के साथ, ठीक है। एडजस्ट प्रोडक्शन फुल स्टॉक रहता है स्पीड, मतलब प्रोडक्शन रेट अगर टाइम के साथ और डिक्लाइन कर रही है तो अपन क्या करते हैं स्टॉक लेंथ को कम करते हैं, ठीक है, या जो भी इसका स्पीड है वो अपन कैसे एडजस्ट करते हैं या इसके साथ प्रोडक्शन रेट वेरी करने के साथ इसको कैसे एडजस्ट करते हैं वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो सर्विस वैल्यू होती है सरफेस और डाउनहोल इक्विपमेंट की बहुत ज्यादा होती है। अब सर्विस वैल्यू क्या होती है जनरली कोई भी इक्विपमेंट अपन बाई करते हैं और उसको वापस अगर अपन बेचते हैं तो उसका क्या होता है कुछ ना कुछ वैल्यू रिडक्शन होता है, ठीक है। जितने में लाइक मैंने 10,000 में कोई चीज खरीदा है
और वापस से 10,000 में नहीं बेच सकती, उसका रिडक्शन हो गया है क्योंकि टाइम के साथ उसका क्या है जो भी वैल्यू था वो कम हो गया है, ठीक है। तो मुझे वापस अगर वो 8,000 में मिल रहा है तो उसकी सर्विस वैल्यू क्या होगी अपने पास कि 2,000, मतलब 2,000 के लॉस के बाद भी अपन को 8,000 मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी सर्विस वैल्यू वापस अपना रिटर्न में कितना उसका उससे ले पा रहा है, ठीक है। तो वो उसकी सर्विस वैल्यू होगी, तो इसके जो इक्विपमेंट है उनको वापस आप अगर बेचते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू वापस आपको मिलती है, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ वापस मनी में आप मनी की फॉर्म में आप कुछ पैसा ले सकते हैं उसका, ठीक है, उसके इक्विपमेंट का। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ सदर ऑटम, इसकी क्या लिमिटेशन है, जनरली क्या है, पोटेंशियल फॉर ट्यूबिंग एंड रोड वे, जो मतलब जनरली क्या होता है कि जो ट्यूबिंग है और जो रोड है उनमें वियर आउट होने का केसेस है, मतलब जैसे कोरोजन की बात करी थी, अगर अपन ट्रेडेड मटेरियल वगैरह यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कॉस्ट को देखते हुए तो क्या दोनों वियर आउट हो जाते हैं टाइम के साथ, ट्यूबिंग को भी ये नुकसान कर सकता है। उसके अलावा गैस ऑयल रेशियो, मतलब जनरली क्या होता है कि जहाँ पे गैस उस वेल में प्रेजेंट है ऑयल वेल में, देन क्या होता है कि वहाँ पे ये पंप क्या करता है गैस लॉकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और ये पंपिंग सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। तो गैस ऑयल रेशियो है वो इसको अफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा मोस्ट सिस्टम लिमिटेड टू अवेबिलिटी ऑफ द रोड्स टू हैंडल द लोड, जनरली क्या होता है कि जो रोड है उनका कुछ ना कुछ लोड होता है, तो वो सिस्टम अगर बहुत नंबर ऑफ रोड अपन इंक्रीज करते हैं तो लोड भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर लोड बियरिंग कैपेसिटी उसकी कम है और अपन ने नंबर ऑफ रोड ज्यादा इंक्रीज किया है, ठीक है, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो अपन क्या करें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रोड को ही यूज कर सकते हैं, उससे क्या होगा जो वॉल्यूम की कैपेसिटी है वो भी एक क्या होगी लिमिटेड वॉल्यूम को लिफ्ट कर पाएगा, ठीक है। अगर जैसे जैसे अपन क्या करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे आप डेप्थ को इंक्रीज करो, ठीक है, डेप्थ आपकी इंक्रीज होगी तो रोड का साइज है वो छोटा होता जाएगा, ठीक है, और कुछ आप लिमिटेड वॉल्यूम को ही लिफ्ट कर पाते हैं। इसलिए वॉल्यूम जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा वेल का डेप्थ वैसे वैसे आप जो वॉल्यूम लिफ्ट कर पा रहे हैं वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक कंसर्न, मतलब कुछ एनवायरमेंट के कंसर्न है, एस्थेटिक मतलब कि वो पर्टिकुलर एनवायरमेंट में वर्क करेगा, ठीक है, पर्टिकुलर कंडीशन में मूवमेंट करेगा, मतलब जैसे सर्कल और पंप की अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑनशोर में यूज होता है, ऑफशोर में यूज नहीं होता है, ठीक है। ऑफशोर में लिमिटेड है, मतलब ऑफशोर में यूज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो मैंने बोला कि इसका एक तो बहुत हैवी स्ट्रक्चर होता है और ऑफशोर में इसका स्पेस लिमिटेशन होता है, हर एक जो आपका प्लेटफॉर्म होता है उसका, दैट्स व्हाई इसको वहां पे अपन यूज नहीं कर सकते। जो एप्लीकेशन कंसिडरेशन है, मतलब कौन सी चीजों के क्या लिमिटेशन है, कहाँ पे इसको यूज करेंगे, ठीक है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लिफ्ट मेथड को। जैसे आपको दे दिया कि इतना ऑपरेटिंग डेप्थ है, इतना वॉल्यूम है, इतना टेम्परेचर है, तो आप कौन सा लिफ्ट मेथड यूज करेंगे आर्टिफिशियल लिफ्ट का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए जनरल बेसिस पे कि कितनी ऑपरेटिंग डेप्थ होनी चाहिए तब कौन सा आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो जनरल ऑपरेटिंग डेप्थ होती है वो 100 to 11,000 फीट होती है, ठीक है, मैक्सिमम हो सकती है आपकी 60,000, ठीक है। जो ऑपरेटिंग वॉल्यूम होता है, मतलब कि जो फ्लो रेट होती है वेल की वो कितनी होनी चाहिए, 5 to 1500 बैरल पर डे, ठीक है, मतलब लो आपकी फ्लो रेट है, ज्यादा हाई नहीं है, मैक्सिमम आपकी 5000 बैरल पर डे हो सकती है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 100 to 350 डिग्री फ़ारेनहाइट मैक्सिमम हो सकता है 550। जो वेल वॉल का डेविएशन है वो क्या होना चाहिए 0 to 20 degrees, जनरली ये क्या होता है कि जो डेविएटेड वेल होते हैं वहाँ पे ये बहुत लिमिटेड यूज होता है, क्योंकि ये जो रोड की डिजाइनिंग होती है उनको डेविएटेड वेल में यूज करना, क्योंकि वो स्ट्रेट होती है उनको वैसे फ्लेक्सिबली डिजाइन करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। देन कोरोजन हैंडलिंग गुड टू एक्सेलेंट, मतलब अगर आप अपग्रेडेड मटेरियल यूज करते हैं देन कोरोजन हैंडलिंग को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं कि आपकी रोड वगैरह कोरोड नहीं होगी। नेक्स्ट है गैस हैंडलिंग फैट टू गुड, मतलब अपन ने जैसे गैस के लिए बोला कि गैस लॉकिंग का प्रॉब्लम होता है, गैस लॉकिंग का प्रॉब्लम होता है मतलब यहाँ पे गैस है वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता ये वाला पंप, अगर किसी भी ऑयल वेल में साथ में गैस प्रोड्यूस हो रही है तो वो इसको हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पंप को लॉक कर देता है, ठीक है। सॉलिड हैंडलिंग फैट टू गुड, मतलब सॉलिड अगर उसके साथ प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी ज्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है,
उसके अलावा फ्लूइड ग्रेविटी ग्रेटर देन 8 डिग्री पे होना चाहिए, मतलब ये विस्कस फ्लूइड को लिटिल बिट हैंडल कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा सर्विसिंग वर्क और कूलिंग रिंग, मतलब सर्विस अगर मुझे करना है वहां पे वर्क कहीं कुछ इसमें ऑपरेशन में जरूरत पड़े मुझे कि ऐसा भी ढंग से काम नहीं कर रहा है तो मुझे वर्क ओवर नीड होगा वहाँ पे, तो उसके लिए मुझे वर्क ओवर रिंग या कोई भी कूलिंग रिंग रिक्वायर होगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें प्राइम मूवर, मतलब जो इसको मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, प्राइम मूवर इसका क्या होता है, गैस या इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जनरली इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं, ठीक है। ऑफशोर एप्लीकेशन लिमिटेड होती है, जैसे मैंने बोला कि ऑफशोर स्पेस लिमिटेशन होती है, इसका जो वेट होता है वो काफी हैवी होता है स्ट्रक्चर का, दैट्स व्हाई। और इसकी जो एफिशिएंसी है कि कितनी एफिशिएंटली ये वर्क करेगी वो है 45-60%, ठीक है। ये है सकर और पंप। नेक्स्ट है आपका गैस लिफ्ट। गैस लिफ्ट आपकी जनरली गैस लिफ्ट में क्या करेंगे अपन कि जो भी आपकी गैस है उसको एक कंप्रेस करके जो ट्यूबिंग है फ्लूइड की उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। इंजेक्ट जीएलवे के थ्रू करेंगे, गैस लिफ्ट वाल्व के थ्रू, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि कंप्रेस गैस को आप इंजेक्ट करेंगे। अब ये दो टाइप से होता है जो गैस का इंजेक्शन होता है, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है इंटरमीडिएट। एक होता है आपका कंटिन्यूअस गैस, दूसरा होता है इंटरमीडिएट। अब कंटिन्यूअस गैस में क्या होगा, कंटिन्यूअस गैस इंजेक्शन में कि आप कंटिन्यूअसली गैस को इंजेक्ट कर रहे हैं जीएलवी के थ्रू, ठीक है। और इंटरमीडिएट में क्या होगा कि आप कुछ टाइम के लिए, जैसे मैंने 10 मिनट के लिए गैस को इंजेक्ट किया, फिर 5 मिनट के लिए गैप लिया, फिर वापस 10 मिनट के लिए गैस को इंजेक्ट किया, ये काफी यूज होगा जाके अपने वेल से जो फ्लो है वो बहुत कम आ रहा है, लो फ्लो रेट है, मतलब जो फ्लूइड का स्लग है मुझे लगा कि हाँ ठीक है 70% या इतना स्लग आ गया है कि अब मुझे इसको लिफ्ट करना है लिक्विड को, तो मैं उतने स्लग को लिफ्ट करने के लिए क्या करूंगी, गैस को इंजेक्ट करूंगी, वो उसको क्या करेगा लिफ्ट करके सरफेस पे ले आएगा, ठीक है। फिर मैं 5 मिनट वेट करूंगी ताकि फ्लूइड और आए, वहां पे फ्लूइड का स्लग आए वेल के अंदर, देन मैं उसको वापस लिफ्ट करूंगी गैस इंजेक्ट करके, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में मैं उस गैस को इंजेक्ट कर रही, ठीक है। अब गैस लिफ्ट में जनरली जो लिक्विड है उसको प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, कंप्रेस गैस को अपन इंजेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे हेल्प कर रही है उसको ऊपर सरफेस तक आने में, कैसे, द एनर्जी ऑफ एक्सपेंशन प्रोपेल्स द ऑयल टू द सरफेस। फर्स्ट जो एनर्जी अपन एक्सटेंड कर रहे हैं कि गैस है उसको उसके अंदर जाके उसको लिफ्ट करके लाइए। दूसरा है द गैस एडिट्स द ऑयल सो दैट इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लेस एंड दस इजी टू गेट टू सरफेस। लाइक मतलब कि जैसे अपन ने गैस इंजेक्ट करी है, ये आता है, ये आपके जीएलवी लगे हुए, ठीक है। यहाँ से अपन ने गैस इंजेक्ट करी है, यहाँ पे यहाँ मेरा लिक्विड पड़ा है, ठीक है। इसको मैंने इंजेक्ट किया तो ये क्या करेगा, इसके अंदर डिजोल्व होगी गैस, तो उसकी क्या डेंसिटी को रिड्यूस करेगी और जैसे फ्लूइड लाइट होगा उसको लिफ्ट करके सरफेस पे ले आएगा, ठीक है। अब ये जो गैस लिफ्ट है उसके अकॉर्डिंग चार टाइप की वेल की कैटेगरीज होती है, और कौन से टाइप के लिए कौन सी गैस लिफ्ट यूज करेंगे। फर्स्ट है आपका हाई प्रोडक्टिविटी इंडेक्स वेल और हाई बीएचपी वेल, बॉटम ऑल फ्लोइंग प्रेशर, ठीक है। मतलब उस वेल का प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, मतलब उसपे फ्लो रेट है, जो प्रोडक्शन रेट है वो भी हाई है उसका, और उसका जो बॉटम ऑल का फ्लोइंग प्रेशर है वो भी हाई है, मतलब अपने साथ अपने पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसको लिफ्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, कंटिन्यूस गैस लिफ्ट यूज करूंगी, ठीक है। अब ये जो हाई प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है मुझे कैसे पता चला कि कितना प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है जिसको मैं हाई कंसिडर करूंगी, जनरली 0.5 से ज्यादा होगा वो आपका हाई प्रोडक्टिविटी इंडेक्स वेल होगा, ठीक है। उसके बाद लो वाले के लिए बात करते हैं, वो लेस देन 0.3 के लिए होता है, लेस देन अगर उसका 0.3 है प्रोडक्टिविटी इंडेक्स तो वो होता है आपका लो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स वेल, ठीक है। और हाई बीएचपी बॉटम ऑफ फ्लोइंग का बोलेंगे, बॉटम ऑफ फ्लोइंग प्रेशर हाई, उसके लिए कौन सा होगा, वो होगा आपका, मतलब जो बॉटम ऑल का फ्लोइंग प्रेशर है वो इतना है कि जो लिक्विड का कॉलम है उसका 70% है उतना लिफ्ट कर दे, ठीक है। उतना अगर लिफ्ट कर देता है जो फ्लूइड का कॉलम है उसका 70% पार्ट को वो इजीली लिफ्ट कर पा रहा है, क्योंकि वो हाई बॉटम ऑल फ्लोइंग प्रेशर वाला है, ठीक है। फिर है अगर हाई बॉटम प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है वो आपका हाई है, बट जो बॉटम ऑल फ्लोइंग प्रेशर है वो आपका लो है, ठीक है। फिर है आपका प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, दोनों में लो है और हाई बीएचपी है या फिर लो बीएचपी है, ठीक है। तो ये चार टाइप के वेल हुए
जनरली जो लोग प्रोडक्टिविटी वेल होते हैं उनके लिए अपन इंटरमीडिएट टाइप की लिफ्ट यूज करते हैं, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंडेक्स हाई होता है वहाँ पे अपन कंटिन्यूस गैस लिफ्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका गैस लिफ्ट का। आगे डिटेल में और देखेंगे इसको अपन। जो बेसिक इक्विपमेंट होता है गैस लिफ्ट के लिए वो क्या होता है, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर, ये आपका जनरली ट्यूबिंग है, ये गैस के लिए आपका इनलेट है। ठीक है, ये फ्लूइड आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे है। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो आपके जीएलपी लगे हुए हैं अपन बाद में देखेंगे कि इनमें से कुछ ऐसे अनलोडिंग वाल्व यूज होते हैं कि वेल को अनलोड करने में काम आते हैं, और कुछ होते हैं जो ऑपरेटिंग जीएलपी होते हैं जिनके ऑपरेटिंग मतलब जिसके थ्रू पर्टिकुलर उस वाल्व के थ्रू अपन गैस को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका ऑपरेटिंग वाल्व होता है। अब इनको लगाने का क्या पर्पज है क्या नहीं वो अपन बाद में बात करेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है कि ये जो आपका ऑपरेटिंग वाल्व है उसके थ्रू गैस इंजेक्ट होगी, वो उसको एरेट करके फ्लूइड को और सरफेस पे आपको प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ऑपरेशन वाल्व जो जीएलपी की बात कर रहे हैं, उसके अलावा वाइड लाइन अडेप्टेशन मतलब इसको इंस्टॉल करने के लिए जीएलपी के साथ यहाँ पे गैस मैनुअल वगैरह जो होते हैं वो भी इंस्टॉल करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जेट वाल्व होते हैं जो रिवर्स फ्लो वगैरह को अवॉइड करने के लिए, उसके अलावा जैसे मेटल की बात करी थी गैस मैनुअल, उसके अलावा सरफेस पे उसको कंट्रोल करने के लिए सरफेस कंट्रोल इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा गैस को कंप्रेस करने के लिए आपके कंप्रेसर्स होते हैं, इनके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे, अभी जनरल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके क्या एडवांटेज है गैस लिफ्ट के। फर्स्ट है हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिजाइन रेट। अब ये क्या होता है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोडक्शन रेट है वो उसके मतलब जैसे जहाँ पे हाई प्रोडक्शन रेट है वहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे कम प्रोडक्शन रेट है वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अपन ने बोला कि जहाँ पे हाई प्रोडक्शन रेट है वहाँ पे आप कंटिन्यूस गैस लिफ्ट यूज करते हैं। ठीक है, बट जहाँ पे लो प्रोडक्शन रेट है वहाँ पे आप इंटरमीडिएट टाइप की गैस लिफ्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो अपन हाई और लो दोनों रेट्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एसआरपी में अपने पास प्रोडक्शन रेट की लिमिटेशन थी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, वो मैक्सिमम वहाँ पर प्रोडक्शन रेट था वो आपका 5000 था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन जो डिजाइनिंग इसका है वो अलग अलग प्रोडक्शन रेट के लिए मतलब लो के लिए भी यूज कर सकते हैं और हाई के लिए भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। उसके अलावा वाइड लाइन रिट्रीवेबल मतलब कि जो आपके जीएलपी हैं उनको वाइड लाइन के थ्रू आप वापस जहाँ पे इंस्टॉल करना है इंस्टॉल कर सकते हैं और वापस रिट्रीव भी कर सकते हैं जब आपको वहां से उस फैसिलिटी को रिमूव करना है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करता है जो सेंट प्रोड्यूस करने वाले वेल हैं उनको अच्छे से हैंडल कर सकता है, वहाँ पे अच्छे से उसको प्रोड्यूस कर पाता है उस फ्लूइड को। मतलब अगर कुछ ऑयल के साथ जहाँ पे थोड़ी बहुत सेंट भी प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ पे ये इजीली वर्क कर सकती है। उसके अलावा ये अलाउ करता है फुल बोर ट्यूबिंग ड्रिफ्ट। इट मीन्स ये है कि अगर मुझे इसमें कुछ भी वेल इंटरवेंशन करना है लाइक वर्क ऑपरेशन इसमें मुझे परफॉर्म करने हैं किसी भी वेल में जहाँ पे गैस लिफ्ट ऑलरेडी मेरे पास लगी हुई है, तो वो क्या करेगा, ये अलाउ करता है कि फुल बोर ट्यूबिंग ड्रिफ्ट। इट मीन्स कि जो आपका प्रोडक्शन ट्यूबिंग है उसको विदाउट रिमूव किए उसके थ्रू ही आप वेल इंटरवेंशन या वर्क ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब प्रोवाइड करता है गैस लिफ्ट की, ऐसा नहीं कि इसके गैस लिफ्ट के लगाने की वजह से जो थ्रू प्रोडक्शन ट्यूबिंग के थ्रू आप जो कुछ वर्क ऑपरेशन करना चाह रहे थे वो आपके मतलब इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सरफेस वेल्डेड इक्विपमेंट रिक्वायर्स मिनिमल स्पेस, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन या कंप्रेसर चाहिए सरफेस पे या उसके अलावा कुछ कंट्रोल इक्विपमेंट चाहिए, उसके अलावा आपको ज्यादा स्पेस के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, मल्टी वेल प्रोडक्शन फ्रॉम सिंगल कंप्रेशन, एक ही कंप्रेसर से अपन बहुत सारे वेल में गैस को इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मल्टीपल और स्लिम वॉल कंप्लीशन, मतलब जहाँ पे मल्टी वेल कंप्लीशन है वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आपका जहाँ पे स्लिम वेल मतलब जो डायमीटर की बात करी थी आपने जिसमें डायमीटर आपका वेल का बहुत छोटा होता है 4 इंच अराउंड, ठीक है वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, मीन्स हाई प्रेशर गैस वेल और कंप्रेशर, या तो गैस वेल का प्रेशर है वो हाई हो, ठीक है, या फिर जो कंप्रेशर आपको नीड होगा वो डेप्थ के साथ कंप्रेशन की कैपेसिटी इंक्रीज होगी कि कितनी डेप्थ पे जाके आप गैस को इंजेक्ट करें। ठीक है, वो आपको नीड होगा। फ्लूइड की विस्कोसिटी, अगर बहुत ज्यादा हाई विस्कोसिटी का फ्लूइड है वो इश्यू होगा। बॉटम ऑन प्रेशर, ऑब्वियसली अपन ने बात करी थी कि बॉटम ऑन प्रेशर उसका अगर लो है या हाई है तो क्या कौन सी लिफ्ट यूज करेंगे वो भी एक इशू हो सकता है आपका। हाई ब्लड प्रेशर, जब गैस इंजेक्ट करते हैं
तो उसका एक बैक प्रेशर भी जनरेट होता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे होगा, बैक प्रेशर भी इशू होगी इसमें। उसके अलावा वेल इंटीग्रिटी कंसर्न, मतलब वेल की जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा मे बी अनइकोनॉमिकल फॉर सम वेल्स, कुछ वेल्स के लिए अनइकोनॉमिकल हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे अगर लिक्विड का स्लग बहुत कम आ रहा है और अपन गैस इंजेक्ट कर रहे हैं बट लिक्विड को लिफ्ट करके नहीं ला पा रही, ठीक है, तो वहाँ पे अनइकोनॉमिकल हो सकता है। लिमिटेड गैस इंजेक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द ऑरिफिस, ऑब्वियसली जो जीएलबी का ऑरिफिस, मतलब जीएलबी का जो आपका डायमीटर होगा उसके वो एक लिमिटेशन होती है कि वो ऑरिफिस कितनी साइज का है। अगर वो बहुत छोटी साइज का है तो आप एक लिमिटेड गैस इंजेक्शन रेट रख सकते हैं, उससे ज्यादा इंजेक्शन रेट आप रख नहीं सकते, क्योंकि जितने डायमीटर का जीएलबी होगा उससे ज्यादा आप गैस को उसके थ्रू इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक्सपेंसिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्रेसर, मतलब जो कंप्रेसर होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, उनका मेंटेनेंस भी एक्सपेंसिव होता है, तो ये सारे लिमिटेशन है गैस के। उसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन है ऑपरेटिंग डेप्थ होगी वो होगी 5,000 to 10,000, मतलब डीप वेल के लिए यूज कर सकते हो इजीली, और मैक्सिमम होगा 15,000, ऑपरेटिंग वॉल्यूम 100 to 10,000 बैरल पर डे, मतलब जो आपका प्रोडक्शन रेट है वो 100 barrel per day to 10,000 barrel per day हो सकता है, ये मैक्सिमम होगा 30,000 barrel per day। ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा वो होगा 100 to 250 degrees Fahrenheit, मैक्सिमम 400 degrees Fahrenheit। वेल पर डेविएशन, मतलब जो डेविएटेड वेल है शॉर्ट टू मीडियम रेडियस के जो वेल है वहाँ पे आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोरोजन हैंडलिंग गुड टू एक्सीलेंट, और इसके अलावा जो आपका मटेरियल आप यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके साथ भी वेरी करेगा। गैस हैंडलिंग एक्सीलेंट, जैसे सर्कल रोड पंप में देखा था कि गैस लॉक की प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे गैस हैंडलिंग ये अच्छे से कर लेता है, क्योंकि अगर ऑलरेडी इसके अंदर गैस ही इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो अगर गैस वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है तो वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी आपको। सॉलिड हैंडलिंग, अपन ने बोला था कि अगर सॉलिड वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, तो उसकी सॉलिड हैंडलिंग होगी, कैपेसिटी वो फुट होगी। फ्लूइड ग्रेविटी, ये बेस्ट एप्लीकेशन इसकी होगी, ग्रेटर देन 50 डिग्री है, ठीक है, मतलब आपका लाइट जो क्रूड ऑयल होगा ज्यादा हैवी या विस्कस क्रूड में ये काम नहीं आएगी, ठीक है। सर्विसिंग वायरलाइन ऑफ वर्क ओवर एक रिक्वायर होगा, प्राइम मूवर इसमें कंप्रेसर होगा आपका, और ऑफशोर एप्लीकेशन होगी वो एक्सीलेंट होगी, ऑफशोर में इसको बहुत इजीली और अच्छे से यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि ऑफशोर में आपके पास अगर गैस अवेलेबल है तो उसको आप इजीली इंजेक्ट कर सकते हैं, और ऑफशोर के वेल होते हैं वो बहुत ज्यादा बहुत पर डीप भी होते हैं, ठीक है, तो डीप वेल के लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं आप गैस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप, जनरली क्या होता है ESP, वो एक सेंट्रीफ्यूगल मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ठीक है, उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जनरली इसमें पंप एंड मोटर होता है, जो आपका पंप एंड मोटर जो इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं वो जनरली, ठीक है, सब सरफेस के कंपोनेंट, मतलब जो जमीन के अंदर है कौन कौन से कंपोनेंट होंगे वो पंप होगा जनरली, मोटर होगी, उसके अलावा इलेक्ट्रिक केबल होगी, उसके अलावा गैस सेपरेटर होगा, क्योंकि इसमें भी गैस लॉकिंग की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वहाँ पे अपन क्या करते हैं कि पंप और मोटर जहाँ अपन इंस्टॉल कर रहे हैं उसके वहाँ पे एक गैस सेपरेटर भी डालते हैं, ताकि गैस जैसे ही प्रोड्यूस होगी वो उसको सेपरेट कर देगा, ताकि वो ऑयल को लिफ्ट करके सरफेस पे लाए, और पंप और मोटर को ऑपरेट होने से मतलब इजीली ऑपरेट हो वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। उसके अलावा सरफेस पे कंपोनेंट आपका मोटर को कंट्रोल करने के लिए मोटर कंट्रोलर होगा, या फिर वेरिएबल स्पीड कंट्रोलर, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वो स्पीड कंट्रोलर भी रख सकते हैं आप। ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होगा, उसके अलावा सरफेस के इलेक्ट्रिक केबल वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी केबल है वो रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होगा, ठीक है। पंप मोटर वाला जो जनरली वाटर वेल के अंदर होता है, पंप एंड मोटर सिस्टम जनरली सेम इसी में होगा, ठीक है। ये आपका पूरा कैसा मतलब ESP होगा, ठीक है, जिसमें आपका वेलहेड होगा, यहाँ पे वेलहेड और ये जो इसके लिए होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। जनरली मोटर पंप ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट है इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज आपके लिए हाई वॉल्यूम एंड डेप्थ कैपेसिटी होती है इसकी, कि ये ज्यादा वॉल्यूम को प्रोड्यूस करता है और ग्रेटर डेप्थ तक जा सकता है, और डीपर डेप्थ या डीप वेल के यूज कर सकते हैं। हाई एफिशिएंसी ओवर 100 बैरल पर डे, एफिशिएंसी इसकी 100 बैरल पर डे जो वेल होते हैं उनसे ज्यादा जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होगी। लो मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस बहुत कम होगा। माइनर सरफेस इक्विपमेंट, सरफेस पे इक्विपमेंट बहुत कम रिक्वायर्ड होंगे।
गुड इन डेविटेड वेल्थ, मतलब जो आपके डायरेक्शनल डीलिंग या डायरेक्शनल जितने भी वेल्थ है उनके लिए काफी अच्छा वर्क करेगा। अडेप्टेबल इन केसिंग, अगर केसिंग साइज 4.5 इंच है तब भी आप वहाँ पे इजीली इसको यूज कर सकते हैं इस पंप एंड वाटर सिस्टम को। और जनरली इसको कभी कभार वेल टेस्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है कि वेल कितना यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस है अवेलेबल इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे इलेक्ट्रिक पावर, जैसे मैंने बात करी कि अगर ये रिमोट लोकेशन में कोई वेल है और वहाँ पे आप ये सिस्टम लगाना चाहते हैं और वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी वहाँ पे कनेक्शन नहीं है देन इसको आप यूज नहीं कर सकते, या आपकी लिमिटेशन हो सकती है। लिमिटेड एडेप्टेबिलिटी टू मेजर चेंजेस इन द रिजर्वर, अगर रिजर्वर में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस हो रहे हैं ठीक है देन वो वहाँ पे अडेप्टेबल नहीं होगा। जैसे गैस लीक में था अपन ने बोला कि अगर लो रेट है तब भी वो अडेप्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि अपन इंटरमीडिएट वाला इंजेक्शन कर सकते हैं, टाइम साइकिल कंट्रोलर लगा रहे कि लगाती कि मतलब कुछ टाइम इंटरवल के लिए आप इंजेक्शन कर रहे हैं, अगर लो प्रोडक्शन रेट हो गया तब भी, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वो इजिली अडेप्ट नहीं कर पाएगा रिजर्व में अगर मेजर चेंजेस हुए, ठीक है। डिफिकल्ट टू रिपेयर इन द फील्ड में, आप इन फील्ड आप जनरली इसको रिपेयर नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है रिपेयर करना। फ्री गैस का इसमें प्रॉब्लम होगा, इसीलिए अपन ने क्या बोला कि वहाँ पे अपन गैस सेपरेटर अलग से इंस्टॉल करते हैं पंप एंड मोटर के साथ, ठीक है। उसके अलावा हाई विस्कोसिटी फ्लूइड है वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हायर कूलिंग कॉस्ट, अगर इसको मुझे कूल आउट करना है देन इसका कूलिंग कॉस्ट भी हायर होगा, ठीक है, मतलब बेसिकली जो इसका वर्क और ऑपरेशन है वो काफी डिफिकल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसको कहाँ पे यूज करेंगे, ऑपरेटिंग डेप्थ 1000 to 10,000 मैक्सिमम 15,000, ऑपरेटिंग वॉल्यूम है 200 to 20,000 बैरल पर डे मैक्सिमम 30,000, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 100 to 275 मैक्सिमम 400, वेलबोर्ड डेविएशन 10 डिग्री, अगर डेविएशन है देन आप इसको यूज कर सकते हैं, बिल्डअप एंगल लेस देन 10 डिग्री, ठीक है। ये सब आपने डायरेक्शन ड्रिलिंग में ऑलरेडी कवर किया, बिल्डअप एंगल क्या होता है या फिर डेविएशन क्या होता है। कोरोजन हैंडलिंग गुड, गैस हैंडलिंग पुअर टू फेयर, मतलब गैस हैंडलिंग के लिए आपको ऑलरेडी गैस सेपरेटर वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये गैस लॉकिंग हो जाएगी और वो पंप आपका ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी गैस हैंडलिंग पुअर होती है, सॉलिड हैंडलिंग ऑब्वियसली पुअर होती है क्योंकि पंप एंड मोटर सिस्टम आपका वर्क करना बंद हो जाएगा, ठीक है। फ्लूइड ग्रेविटी ग्रेटर देन 10 डिग्री है, सर्विसिंग वर्क और या कूलिंग रिक्वायर होगा। प्राइम मूवर इसमें इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वही प्राइम मूवर होगा जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। ऑफशोर एप्लीकेशन एक्सीलेंट, ठीक है, ये बहुत अच्छे से ऑफशोर में वर्क कर सकता है। सिस्टम एफिशिएंसी इसकी होगी 35 to 60%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक जेट पंप। हाइड्रोलिक जेट पंपिंग में क्या करते हैं कि आप एक पावर फ्लूइड है उसको आप इंजेक्ट करते हैं हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। वो फ्लूइड क्या करेगा कि उस फ्लूइड का एक जेट क्रिएट होगा और वो जेट क्या करेगा, जो भी फ्लूइड आपका वेलबोर में आ रहा है उसको फ्लूइड को सरफेस पे लेके आएगा। अब ये दोनों फ्लूइड वेलबोर फ्लूइड है ना, आपका ये जो फ्लूइड है वो दोनों यहाँ पे मिक्स होके आ रहे हैं ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो फ्लूइड आपने इंजेक्ट किया है पावर फ्लूइड, इसमें क्या होता है जनरली यहाँ पे क्या लो प्रेशर का पावर फ्लूइड था आपका, ठीक है, कोई भी फ्लूइड मतलब जनरली ऑयल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, उसको अपन ने ट्रिप्लेक्स पंप के थ्रू मतलब उसको हाई प्रेशर पावर फ्लूइड हाई प्रेशर में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ से इसको इंजेक्ट किया, यहाँ पे क्या हाई प्रेशर का पावर फ्लूइड यहाँ पे डाउन गया, यहाँ पे एक जेट पंप लगा हुआ है, ठीक है। इस जेट पंप के थ्रू जो नोजल वाला आपने पढ़ा होगा कि नोजल कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये वाला जो पंपिंग सिस्टम था एकदम से डायरेक्ट चेंजेस वाला, ठीक है, वो होगा। और यहाँ से जो फ्लूइड है उसको ये फ्लूइड का जेट क्या करेगा, इसको लिफ्ट करके दोनों फ्लूइड साथ में प्रोड्यूस होंगे, जो वेलबोर का फ्लूइड है और जो आपने फ्लूइड इंजेक्ट किया है वो फ्लूइड इंजेक्ट किया वो क्या कर जल्दी इस फ्लूइड को लिफ्ट करके लाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लूइड है दोनों मिक्सिंग हो गई, उसको यहाँ पे क्या करेंगे वापस अपन सेपरेट करेंगे और जो भी आपका प्रोडक्शन टैंक है उसमें जो फ्लूइड प्रोड्यूस हुआ सेपरेट करके वापस जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसको अलग कर लेंगे और जो पावर फ्लूइड है वापस प्रोसेस होके इसके लिए वापस यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक के एडवांटेज क्या है, नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता जनरली क्योंकि डायमीटर का वो चेंजेस है नोजल वाला वर्क है, ठीक है, तो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। हाई वॉल्यूम कैपेसिटी, जो वॉल्यूम कैपेसिटी है वॉल्यूम इसका निकालने की वो ज्यादा होती है। फ्री पंप, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है कि एक ही फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो पावर फ्लूइड होता है जिसको आप इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको फ्री पंप भी बोलते हैं। डेविएटेड वेल में इजीली यूज हो सकता है। उसके अलावा मल्टी वेल प्रोडक्शन फ्रॉम ए सिंगल सरफेस, बिकॉज
मतलब एक ही जगह पावर फ्लूइड है उसको इंजेक्ट करने की एक ही फैसिलिटी लगा रखी है आपने कि यहाँ से इसको फ्लूइड को लेना है, हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना है, देन इंजेक्ट करना है. तो एक ही सरफेस पैकेट से आप मल्टीपल वेल में पावर फ्लूइड को इंजेक्ट करके वेल के फ्लूइड को प्रोड्यूस कर सकते हो. ठीक है, लो पंप मेंटेनेंस इसका क्योंकि मूविंग पार्ट कुछ भी नहीं है तो उसमें जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत कम रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसका लिमिटेशन क्या है. प्रोडक्शन रेट रिलेटेड टू द बॉटम ऑन प्रेशर, इट मींस क्या होगा कि जो बॉटम ऑन प्रेशर है उसके रिलेटिव में वर्क करेगी आपकी प्रोडक्शन रेट. ठीक है, मतलब बॉटम ऑन प्रेशर अगर कम है तो प्रोडक्शन रेट भी उसके साथ वेरी करेगी. ठीक है, वो इंक्रीज होगी. ठीक है, अगर बॉटम ऑन प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है देन प्रोडक्शन रेट आपकी कम हो जाएगी, तो वो उसके रिलेटिव में वर्क करेगी. ठीक है, प्रोडक्शन रेट बॉटम ऑन प्रेशर का कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आपका अगर रिजर्वर का प्रेशर है, यहाँ पे बॉटम वॉल का प्रेशर है, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, P रिजर्वर का प्रेशर माइनस P WF जो बॉटम वॉल का प्रेशर, इनका डिफरेंस डेल्टा P क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. ये कम होगा प्रेशर डिफरेंस तो यहाँ से यहाँ का फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा. तो ये बॉटम वॉल प्रेशर के रिलेटिव होगी प्रोडक्शन रेट. ठीक है, इस वाले पंप में. उसके अलावा सम रिक्वायर्स स्पेसिफिक बॉटम वॉल असेंबली, कुछ कुछ पंप में इसके लिए कुछ स्पेशल बॉटम वॉल असेंबली मतलब कुछ स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर होंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए. उसके अलावा लोअर हॉर्स पावर एफिशिएंसी, जो इसकी एफिशिएंसी है वर्किंग एफिशिएंसी वो काफी कम होती है. ठीक है, हाई प्रेशर सरफेस लाइन रिक्वायरमेंट, अपन को ऑब्वियसली हाई प्रेशर जो अपन फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए जो प्रेशर लाइन होगी, जो इंजेक्ट करने की लाइन होगी, इंजेक्शन लाइन वो भी हाई प्रेशर रेटिंग की होनी चाहिए. ठीक है, तो ये सब उसकी लिमिटेशंस है. नेक्स्ट है आपका इसकी ऑपरेटिंग डेप्थ होगी 5,000 to 10,000 मैक्सिमम 15, ऑपरेटिंग वॉल्यूम 300 to 1,000 बैरल पर डे, मतलब जहाँ पे लो प्रोडक्शन रेट होती है वहाँ पे यूज कर सकते हैं. ऑपरेटिंग टेम्परेचर 100 to 250, डेविएशन 0 to 10 degree, कोरोजन हैंडलिंग एक्सीलेंट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोरोजन का इतना, गैस हैंडलिंग गुड, सॉलिड हैंडलिंग गुड, फ्लूइड ग्रेविटी मतलब जो आपका हाई विस्कस फ्लूइड है वहाँ पे कम वर्क करेगा. सर्विसिंग हाइड्रोलिक और वायलाइन, मतलब हाइड्रोलिक या फिर वायलाइन के थ्रू इसको आप रिपेयर कर सकते हैं. प्राइम मूवर इसका मल्टी सिलेंडर और इलेक्ट्रिक हो सकता है. ठीक है, उसके अलावा ऑफशोर एप्लीकेशन इसका एक्सीलेंट होगा. सिस्टम एफिशिएंसी 10 to 30%, मतलब ये इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है कंपेयर टू अदर आर्टिफिशियल मेथड्स, ये बहुत लिमिटेड यूज होता है और इसका इतना एफिशिएंसी नहीं है इसलिए कम ही यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लंजर लिफ्ट. प्लंजर लिफ्ट जनरली क्या होता है कि जो आपका गैस लिफ्ट है उसी का एक पार्ट है. गैस लिफ्ट में जनरली क्या होता है कि अपन देखेंगे जो आपका इंटीग्रेटेड गैस लिफ्ट होता है उसमें क्या होता है कि लिक्विड वापस जो गैस इंजेक्ट कर रहे थे अपन कुछ टाइम इंटरवल में, उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड का स्लग है बहुत सी बार वो वापस फॉल बैक कर जाता है, वो गैस को लिफ्ट नहीं कर पाती. ठीक है, तो वो वापस लिक्विड फॉल बैक हो रहा है तो उसको अपन मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि उतनी एफिशिएंटली नहीं हो रहा है तो अपन प्लंजर लिफ्ट यूज करते हैं. उसमें भी जनरली जो आपका SRP है या गैस लिफ्ट है वैसे ही एक प्लंजर इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर लिक्विड फिल होगा, वो उसको लिफ्ट करके सरफेस पे लाएगा. जैसे सकर रोड पंप में रोड्स के थ्रू आता है उसमें एक प्लंजर आपका एक पिस्टन और हैंड पंप असेंबली होगा, वो अपन डिटेल में देखेंगे. ठीक है, उसके थ्रू यूज होगा. नेक्स्ट है आपका प्लंजर लिफ्ट के एडवांटेज, रिक्वायर्स नो आउटसाइड एनर्जी सोर्स, यूजेस वेल्स एनर्जी टू लिफ्ट. ठीक है, मतलब इसके अंदर जो आपका लिक्विड है उसको अपन अलग से गैस इंजेक्ट करके लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, उसको अपन जो आपकी प्लंजर लिफ्ट है उस जिसके अंदर पूरा आपका लिक्विड वो हो गया है इंजेक्ट मतलब इकट्ठा हो गया, देन आप उसको लिफ्ट करके सरफेस पे ला दे. ठीक है, मतलब जो SRP के लिए अपन क्या कर रहे थे अलग से एनर्जी नहीं दे रहे थे, जनरली वो सक करके सरफेस पे ला रहा था वैक्यूम क्रिएट होकर उसके अंदर फिल हो रहा था. जनरली इसमें भी यही होता है कि जैसे गैस लिफ्ट में अपन गैस इंजेक्ट कर रहे थे एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे. ठीक है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी अपन को प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी. डीवॉटरिंग गैस वेल, मतलब जहाँ पे गैस वेल में डीवॉटरिंग करनी है, अगर वाटर को निकालना है देन उस डीवॉटरिंग प्रोसेस में आप प्लंजर लिफ्ट को यूज कर सकते हैं. उसके अलावा रिग नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के लिए अपन को रिग रिक्वायर्ड नहीं होगी. उसके अलावा इजी मेंटेनेंस होगा इसका, कीप्स वेल क्लीन ऑफ पैराफिन डिपॉजिट, जो पैराफिन डिपॉजिट है उसमें ये डिपोजिशन इसमें पैराफिन का नहीं होगा.
गर्ल्स एडिटेड मेथड है, हैंडल गैस इवेंट इजीली, ठीक है, मतलब जो गैस प्रोडक्शन के गर्ल्स हैं उनको इजीली ये हैंडल कर सकता है। गुड इन डेविटेड वेल, क्योंकि ये काइंड ऑफ गैस लिफ्ट का ही पार्ट है, तो ये क्या करता है कि जो गैस प्रोड्यूस करने वाले वेल हैं या फिर जो डेविटेड वेल है उनमें इजीली वर्क करेगा, ठीक है। उसके अलावा इसकी लिमिटेशन, स्पेसिफिक GLR टू ब्राइटनेस सिस्टम, मतलब इसके लिए जो गैस और लिक्विड का रेशियो होता है वो कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, कुछ उसी के लिए वर्क करेगा, बाकी के ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा। लो वॉल्यूम पोटेंशियल, मतलब इसका जो प्रोडक्शन रेट होता है वो बहुत कम होता है, वॉल्यूम बहुत कम प्रोड्यूस होता है, 200 बैरल पर डे। रिक्वायर्ड सर्विलेंस टू ऑप्टिमाइज, इसके लिए आपको सर्विलेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब एक कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ये ब्लेंडर इसकी लिमिटेशंस है, इसका ऑपरेटिंग टेस्ट होगा 8000, ऑपरेटिंग वॉल्यूम 1-5 बैरल पर डे, टेम्परेचर 120 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। कोरोजन हैंडलिंग वो एक्सीलेंट होगा, गैस हैंडलिंग एक्सीलेंट, सॉलिड हैंडलिंग इसका बहुत पुअर होगा, ठीक है। GLR का वो 300 स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट टू फीट पर बैरल, 2000 पर 1000 गैस के लिए इतना होना चाहिए, ठीक है। जो मैं जैसे मैंने बोला था कि पर्टिकुलर GLR के लिए वर्क करेगा, मतलब इसका GLR मतलब गैस टू लिक्विड रेशियो आपका 300 स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर बैरल पर 1000 फीट के लिए होना चाहिए, ठीक है। इतना 1000 फीट में अगर इतना आपका GLR आ रहा है मतलब गैस टू लिक्विड रेशियो, देन प्लंजर लिफ्ट आपका ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सर्विसिंग, वेलहेड कैचर और वाल्व लाइन, प्राइम मूवर आपका वेल्स नेचुरल एनर्जी, जैसे अपन ने बोला कि कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसका प्राइम मूवर है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसकी खुद की वेल की एनर्जी है। ऑफशोर एप्लीकेशन अभी तक इसकी वो नहीं की गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेसिव कैविटी पंप या PCP भी बोलते हैं इसको, इसका क्या है, इट इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप, ठीक है। It uses an eccentrically rotating single helical rotor and turning inside a stator. मतलब एक stator and rotor होगा, वो helical आपका rotor होगा, single helical rotor है, उसके साथ stator होगा, ठीक है। It can be used for lifting heavy oils at a variable flow rate. जैसे अभी तक अपन देखते हैं कि जो viscous fluid है उसमें बाकी जो पंप है वो इतने ज्यादा हैंडलिंग में अच्छे नहीं थे, बट जो PCP है वो जनरली वहाँ पे जहाँ पे हैवी क्रूड प्रोड्यूस होता है वहाँ पे PCP को आप यूज कर सकते हैं। जो विस्कस ऑयल है आपका उसको प्रोड्यूस करने के लिए आप PCP को बहुत अच्छा मतलब वो यूज कर सकते हैं उसको, और PCP बहुत अच्छे से वर्क करता है विस्कस क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करने, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसका अंदर ये रोटर है, ये स्टेटर है, इसका सेंट्रलाइजर है, इसको सेंटर में मेंटेन करने के लिए। बाद में अपन इसकी डिजाइनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके एडवांटेज है लो कैपिटल कॉस्ट, इसका जो कॉस्टिंग है वो कम होगा, लो सरफेस प्रोफाइल फॉर विजुअल एंड हाइट सेंसिटिव एरिया, मतलब जो इसका हाइट है उसका हाइट सेंसिटिव एरिया, मतलब जो ऑफशोर या बहुत ऊपर जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके लिए ज्यादा कोई प्रोफाइल या वैसा विजुअल प्रोवाइड करने का कोई वो नहीं होगा। हाई सिस्टम एफिशिएंसी, इसकी सिस्टम एफिशिएंसी जैसे विस्कस फ्लूइड के लिए अपन ने बोला बहुत ज्यादा होती है। सिंपल इंस्टॉलेशन, इसका बहुत इजी इंस्टॉलेशन होता है, क्वाइट ऑपरेशन मतलब बहुत इजीली ऑपरेट होता है। पंप्स ऑयल एंड वाटर विद द सॉलिड, मतलब ये जो सॉलिड हैंडलिंग की बात कर रहे थे, बाकी पंप में अपन बोल रहे थे कि अगर सॉलिड है देन वो कुछ ना कुछ उनको ब्लॉक कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट ये विस्कस और सॉलिड दोनों ही बहुत अच्छे से हैंडल करता है विस्कस फ्लूइड को भी, ठीक है। लो पावर कंजप्शन, इसमें पावर कंजप्शन आपका बहुत लो होगा। पोर्टेबल सरफेस इक्विपमेंट, इसके सरफेस इक्विपमेंट है, इजीली आप एक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो होता है, जनरली इसको यूज कर सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल और डायरेक्शन वेल्स में भी यूज कर सकते हैं PCP को, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन, लिमिटेड डेप्थ कैपेसिटी, मतलब पर्टिकुलर डेप्थ रेंज के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो रोटर स्टेटर है उनका जो इलास्टोमेरिक कंपोनेंट होता है, जो रबर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे डेप्थ ज्यादा होगी तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, दैट्स व्हाई डेप्थ की इसमें लिमिटेशन होती है। टेम्परेचर जैसे मैंने हाई टेम्परेचर की बात करी थी वो भी लिमिट होगा। सेंसिटिविटी टू प्रोड्यूस फ्लूइड, प्रोड्यूस फ्लूइड किस टाइप का है उसके लिए भी थोड़ा बहुत ये सेंसिटिव होगा। लो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इन हाई गैस एनवायरनमेंट, जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं अपन, जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है अगर वहाँ पे गैस ज्यादा है तो वो वॉल्यूम प्रोड्यूस
करना आपका कम करेगा, जो ऑयल का वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत कम होगा। रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट फ्लूइड लेवल अबाउट द पंप। अब जो आपका पंप ऑपरेट हो रहा है उसके वहाँ पे एक फ्लूइड का लेवल आपको मेंटेन करके रखना होगा। उस पर्टिकुलर फ्लूइड का लेवल अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो ये पंप आपका ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। अब इसकी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग डेप्थ, जैसे हमने बोला डेप्थ की लिमिटेशन होती है, तो 2000 टू 4500 फीट तक ही यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 6000 फीट। ऑपरेटिंग वॉल्यूम 5 to 2200 बैरल पर डे, मैक्सिमम आपका 4500 बैरल पर डे। ऑपरेटिंग टेम्परेचर 75 to 150 डिग्री फेरेनहाइट, मैक्सिमम आपका 250, क्योंकि जो इसके स्टेटर और रोटर के कंपोनेंट होते हैं वो रबर वगैरह के होते हैं, ठीक है, तो वो हाई टेम्परेचर पे खराब हो सकते हैं, इस चीज को यूज नहीं कर सकते। वेपर डिवीजन, जैसे आपने बोला कि हॉरिजॉन्टल वेल में भी यूज कर सकते हैं, तो 0 to 90 डिग्री, ठीक है। डायरेक्शन वेल में भी यूज कर सकते हैं। कोरोजन हैंडलिंग फेयर, गैस हैंडलिंग गुड, सॉलिड हैंडलिंग एक्सीलेंट, फ्लूइड ग्रेविटी 35 डिग्री एपीए तक भी यूज कर सकते हैं, इससे जितने लोवेस्ट हैं उनमें बेस्ट वर्क करेगा, जैसे विस्कस फ्लूइड की बात करी थी मैंने। प्राइम मूवर, इसका वर्कओवर या पुल ओवर कूलिंग लिंक काम आएगी। प्राइम मूवर इसका गैस या इलेक्ट्रिक टाइप का हो सकता है। ऑफशोर एप्लीकेशन गुड, इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप की भी और डीसी की भी, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। बट जहाँ पे डेप्थ की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे अगर हाई डेप्थ की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टम एफिशिएंसी 40 to 70 डिग्री, ठीक है। तो ये थी आपकी कौन कौन से आर्टिफिशियल लिफ्ट मेथड्स थे, इसको कैसे क्राइटेरिया था, कहाँ पे यूज करेंगे, कौन से फ्लूइड टाइप के यूज करेंगे और कौन कौन से पैरामीटर्स थे जिसके बेसिस पे अपन उसको सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट में अपन देखेंगे कि ये जो सकर और पंप है वो उसकी डिजाइनिंग क्या होती है, सर्फेस इक्विपमेंट क्या होते हैं और सब सर्फेस के इक्विपमेंट क्या होते हैं, कैसे उसकी वर्किंग होती है, ठीक है। थैंक यू।